नॉर्थ की ऑडियंस मीडिया का यूज कैसे करेंगे मेकर्स। एसएस सैंड्रा मॉली इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि उनकी आने वाली मूवी ट्रिपल आर को लेकर फैंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची हैं। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में बनने वाली अब तक के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है। और कहने की जरूरत नहीं है कि जूनियर एनटीआर और रामचरण स्टार पर लगे स्टेक्स काफी बड़े हैं। लेटेस्ट न्यूज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है ये कि राजा मौली ट्रिपल आर के बड़े बड़े लेवल पर प्रमोशन के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। अपनी इस हैवी ड्यूटी एक्शन ड्रामा के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं जो अगले कुछ हफ्तों में शुरू होने जा रही है। राजा मौली मूवी को प्रमोट करने के लिए देश के हर हिस्से का इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं। तेलुगु के राज्य के अलावा ट्रिपल आर की टीम इसे नॉर्दर्न सर्किट में भी प्रमोट करने का सोच रही है। राजा मौली जिन्होंने अब पहले शूटिंग की लोकेशन के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों का टूर किया था, अब वो इन्हीं शहरों में ट्रिपल आर को बड़े लेवल पर प्रमोट करने का भी प्लान कर रही हैं। इसके अलावा खास बात ये है कि इस बार प्रमोशन में फिल्म के लीडिंग स्टार्स जैसे राम, एनटीआर, आलिया और अजय भी हिस्सा लेने वाले हैं, जिसके लिए वो कई हिंदी मीडिया चैनल्स के साथ भी इंटरक्शन करते दिखेंगे। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि हिंदी की ऑडियंस के बीच भी अच्छा खासा बस बनाया जा सके और थिएटर में आकर फैंस मूवी देख सके। दोस्तों जब प्रमोशन की बात आती है तब इन मामलों में राजा मौली बेशक ही मास्टर है, जिसे उन्होंने समय समय पर साबित भी किया है। उनकी सुपरहिट सीरीज बाहुबली को कौन भूल सकता। राजा मौली अकेले हैं लेकिन इतने समय का एक्सपीरियंस जो उन्हें बाहुबली से मिला है उससे हम ट्रिपल आर के बाद उन्हें टॉप पर देख सकते हैं। दोस्तों हाल ही में घोषणा की गई थी ट्रिपल आर अगले साल की शुरुआत में 7 जनवरी को थिएटर में रिलीज की जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि मूवी अच्छे से प्रमोट की जाए ताकि मेकर्स को स्टेक्स जितनी वसूली भी हो सके। खैर आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी